नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। मोदी बोले, जनता चौकीदार पर प्यार बरसा रही है, काली ईवीएम खा रही है। ये मोदी ने कहा कि विरोधी मान गए हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ गई। मोदी को छोड़ अब वे ईवीएम को गाली देने लगे। विपक्षी हार से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता चौकीदार पर प्यार बरसा रही है और गाली बेचारी ईवीएम खा रही है। इनेलो ने कुरेदे आरक्षण आंदोलन के जगह सरकार पर लगाए युवाओं की हत्या के आरोप। मंगलवार को कांग्रेस, जसपा और इनेलो तीन प्रमुख दलों की ओर से उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र लोकसभा के नौ विधानसभाओं के नेता मंच पर पहुंचे। वहीं मंच से अभी ने चुनाव में जाट वोटरों को एकजुट करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलनों के जख्मों को खूब करेता। उन्होंने आरक्षण के दौरान 30 युवाओं की गोलियों से हत्या करने का आरोप भी भाजपा पर लगाया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लिया पीएम मोदी का इंटरव्यू। नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कई चुटकुले सुनाए तो अपने विपक्षियों से जुड़ी बेहद निजी बातें भी साझा की। पीएम मोदी ने बेहद हल्के मूड में दिए इस इंटरव्यू के दौरान विपक्षी नेताओं के बारे में ऐसी बातें बताई जिसके बारे में सहसा यकीन करना बेहद मुश्किल। जब धोनी से पूछा क्या है सीएसके की सफलता का राज, तो ऐसी चतुराई से दिया जवाब। मैच के बाद जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से चेन्नई सुपर किंग की सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसका जवाब दिया। धोनी ने हंसते हुए कहा, चेन्नई हर सीजन में प्ले ऑफ में जगह कैसे बनाती है, ये एक राज है और अगर ये राज मैं खोल दूंगा तो फ्रेंचाइजी नीलामी के दौरान मुझे अपने साथ क्यों छोड़ें। प्रत्याशी घोषणा में देरी से किरण को बंसल की कैंपेन ट्रेन को पीछे छोड़ने के लिए लगानी होगी दौड़। चंडीगढ़ में भाजपा ने किरण खैर को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। हालांकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित करने में देर कर दी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की चुनावी ट्रेन बिना ब्रेक के दौड़ रही है। बंसल की कैंपेन ट्रेन को पीछे छोड़ने के लिए किरण खैर को दौड़ लगानी होगी। भाजपा प्रत्याशी की घोषणा में हुई देरी का फायदा विरोधियों को मिलता दिख रहा है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।